थाना कोतवाली गुना के अपराध क्रमांक 160, 23, धारा 307, 294 वहीं 506, 34 भादवी में घटना दिनांक से फरार आरोपी फरहान खान पुत्र कासिम खान निवासी तलैया मोहल्ला गुना की गिरफ्तारी हेतु काफी प्रयास के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकने पर गुना पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव की ओर से प्रकरण में फरार आरोपी फरहान खान की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। अतएव जो कोई फरार आरोपी फरहान खान के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को देगा अथवा उसे गिरफ्तार कराने में पुलिस को सहयोग करेगा उस व्यक्ति को गुना पुलिस अधीक्षक की ओर से 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और यदि सूचना देने वाला व्यक्ति चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। सांसद केपी के बदले सुर, कांग्रेस पर बोला हमला, पीएम और सीएम की जमकर की तारीफ। विधानसभा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर बोले सांसद, कांग्रेस का स्वभाव हो हल्ला करना, वे दिल्ली में भी ऐसा करते हैं। गुना में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों से की चर्चा। करीब एक सप्ताह पहले एक सामाजिक कार्यक्रम में अपने वक्तव्य से अचानक चर्चाओं में आए गुना सांसद डॉक्टर केपी यादव ने शुक्रवार को पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के सम्मेलन में शिरकत की है। इस दौरान डॉक्टर केपी यादव बदले बदले नजर आए। उम्मीद थी कि एक बार फिर सांसद माइक थामेंगे तो उनके निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके समर्थक मंत्री हो सकते हैं। हालांकि सांसद डॉक्टर केपी यादव ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की। उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ लाए प्रस्ताव को हो हल्ला करने की प्रवृत्ति बताया। सांसद के मुताबिक दिल्ली में भी कांग्रेस ऐसा ही करती है। उनके कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों की कम संख्या को लेकर सांसद ने किसी तरह के भय का वातावरण होने से इनकार किया है। इससे पहले पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जमकर तारीफ की। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। 2014 के पहले आपने हमेशा देखा होगा, जब भी हम पेपर उठाते थे तो कोई ना कोई स्कैम आता था। कभी 2G स्कैम, कभी 3G स्कैम, कभी कोयला घोटाला। और मैं आपसे पूछता हूं, 2014 के बाद किसी ने कोई घोटाला सुना केंद्र का? 2014 के बाद स्कीम्स छपती है कि कैसे लोगों के जीवन में खुशहाली आ सके, तो नई नई जनहितकारी जनकल्याणकारी योजनाएं लाके लोगों के जीवन में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों और लोगों की जिंदगी खुशहाल बने, ये काम हो रहा है। और अगर हम प्रदेश की बात करें भाइयों, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मिले हैं जो दिन रात परिश्रम करते हैं कि कैसे यहां इस प्रदेश के एक एक व्यक्ति तक वो सारी सुख सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। क्योंकि आज से 20 साल पहले यहां जितने लोग बैठे हैं, कुछ तो युवा हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भी देखा होगा कि 20 साल पहले पूरे देश में हमारे प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। ना सड़कें थी, ना बिजली थी, अनेकों अनेक तरह की समस्याएं थी, ना रोड थे, कहीं गांव गांव में तो रोड दिखते ही नहीं थे। लेकिन आज ये प्रदेश बीमारू राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है और आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना है। भाइयों, ये देश कृषि प्रधान क्षेत्र है और देश की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान क्षेत्र है। अगर मैं कृषि की बात करूं, वैसे तो हर क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने बहुत तरक्की की है, अगर कृषि की बात करूं तो कृषि के क्षेत्र में भी हमारे प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुए। कभी आज से 20 साल पहले मुश्किल से 7 लाख हेक्टर जमीन सिंचित थी, आज 65 लाख हेक्टर से ज्यादा जमीन सिंचित है। सिंचाई का इतना रकबा बढ़ा है, गेहूं के उत्पादन में जहां हरियाणा और पंजाब पूरे देश में विख्यात थे, आज 2021-22 में गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे, क्योंकि ये अल्प समय में और अभी क्या किसानी का काम चल रहा है, खेती किसानी का समय है, तो ठीक है कुछ हमारी बहनें जरूर पहुंची थी, कुछ नहीं आ पाई है, क्योंकि आप जानते हैं किसी किसानी से मैं भी जुड़ा हूं, घर में एक व्यक्ति तो जरूरी है कि वो देख ले काम धाम, तो हो सकता है इसलिए कुछ कमी रही होगी, पर आगे ये मीटिंगें निरंतर चलती रहेंगी, क्योंकि माननीय मोदी जी की इच्छा है कि सभी ने आपस में बातचीत करना चाहिए, सुझाव लेना चाहिए नीचे से, तभी हम अपनी योजनाओं को ठीक से फलीभूत कर सकते हैं। डर की जो बात निकल गया है, डरते लोग डर रहे हैं, सरपंच डर रहे हैं, यहाँ पर उनको डराया गया, तो डर किसने, सत्ताधारी दल भाजपा है, ऐसे में डर किसका?
ये देखा जाएगा। कई बार प्रभावशाली लोग होते हैं, मैंने बोला भी कि कुछ लोगों की मानसिकता कुछ अलग ही होती है, हो सकता है किसी ने किसी को मना किया होगा, क्योंकि कभी ये बात निकल के आई है, पर ये मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा कि ये पता करें किसने कहाँ क्या बोला है, क्यों लोगों को रोका गया। पर भरपूर संख्या में लोग आए और सभी ने अपनी बात खुल के रखी है। मुझे लगता है कि निश्चित ही इससे कुछ अच्छे सुझाव जो आए हैं उससे हजारों लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में जीतू पटवारी का निलंबन कर दिया गया, काफी हंगामा भी हुआ, और जो अध्यक्ष हैं सभापति हैं उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाई कांग्रेस। देखिए कांग्रेस तो कुछ भी करती रहती है, लेकिन जो अनुशासनहीनता करेगा उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, और जो हुआ है वो होना चाहिए। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वो गलत है, वो तो कांग्रेस की अपनी परिपाटी है, वो केंद्र में भी वहाँ भी हम देखते हैं, वहाँ भी हु अल्लाह हमेशा करते रहते हैं, और यहाँ भी ऐसी उठपटांग हरकतें करते रहते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस का स्वभाव है। आप लगातार प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और कलेक्टर से लेकर आपने तमाम जगह शिकायत की। पिछले हफ्ते एक आपका कार्यक्रम था हॉस्पिटल में, उसमें स्थानीय विधायक का भी फोटो नहीं था, ऐसा उनके समर्थकों ने कहा कि अनुसूचित जाति के यहाँ के भाजपा के विधायक है और सांसद के कार्यक्रम में उनका फोटो नहीं है। कल भी बमौरी में भी स्थानीय विधायक और मंत्री का असरी आज के उसमें नहीं था, आप क्या इस पर आप जो प्रोटोकॉल पर सवाल उठाते हैं? देखिए ये कोई वैसा कार्यक्रम नहीं था, और अस्पताल में अगर कैंप था तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा थी कि हर जगह कैंप लगे, और एम्स के डॉक्टर्स आए थे, मैं भी उसमें नहीं पहुंच पाया था क्योंकि मेरी कहीं बाहर मीटिंग थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय CM साहब का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, शायद जहाँ तक मुझे याद है जो ऊपर से फोटो आया था वो था। दूसरे पखवाड़े में खूब तपेगा मार्च, तापमान बढ़ेगा और लू भी चलेगी। आज यानी 3 मार्च से तेज गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी और बादल छा रहे थे, जिसका असर शुक्रवार को कम हो जाएगा। इस कारण कई शहरों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दूसरे पखवाड़े में मार्च खूब तपेगा, वहीं लू भी चलेगी। वहीं नगर सहित ग्रामीण अंचलों में ग्रीष्मकाल शुरू होते ही देसी फ्रिज की मांग बढ़ने लगी है। लोग बाजारों से मटकी खरीदना शुरू कर चुके हैं। नगर के चौक चौराहों में ग्रामीण अंचल से लोग मटकी बेचने आ रहे हैं। नगर में कई जगह मटकों की दुकान सजी है जहां बिक्री शुरू हो गई है। हालांकि ऐसी मान्यता है कि नए मटकों का उपयोग अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होता है, लेकिन इस बार मार्च माह से ही गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाने लगी है, जिससे मटकों का उपयोग होना शुरू हो गया है। आरोन थाना क्षेत्र के साई कॉलोनी निवासी पति ने पत्नी को अपने ही घर में हत्या कर दी और बाद में खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। मिली जानकारी के अनुसार नगर के साई कॉलोनी में रह रहे मोहित उर्फ डब्बू सोनी ने अज्ञात कारणों के चलते अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी तब लगी जब दूध वाला दूध देने आया तो काफ़ी देर तक गेट नहीं खोले गए। जब पड़ोसियों को शंका हुई तो खिड़की से झांक के देखा तो सब हक्के बक्के रह गए। इसके बाद आरोन थाने में सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर आरोन थाना प्रभारी आमोद सिंह राठौर पुलिस बल के साथ पहुंचे और जांच शुरू कर दी। मृतक के घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हालांकि बाद में DSP विवेक अष्टाना, आरोन तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंच गए। आगामी कार्रवाई जारी है। आरोन से मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। मैं तो 20 साल से हो चुका हूं। जी रुक जाइए तनक जी। अरे रुक जाइए तनक। आपको ये घटना के बारे में कैसे पता चला? महल्ले वालों से और पुलिस वगैरह लोगों से आए। अच्छा तो मतलब इस वजह में कोई जानकारी नहीं है आपको? जानकारी नहीं सर मेरे को, मैं पूछता हूँ। हमारे पास क्या रोहित है, वहाँ की जगह पे यार क्या नाम है यार? सोनू। सोनू कहाँ रहती हो? पुना जी। मृतक जिन्होंने फांसी लगाई जी, आपके कौन थे? छोटा भाई। अच्छा। महिला? बहू है वो। अच्छा। आपको जानकारी कैसे लगी? महिला वालों के फ़ोन, आसपास के पड़ोसियों के फ़ोन आए जब पता पड़ा हमको। अच्छा क्या बोला वो? ये ऐसे ये कांड हो गया जो भी, ये बताया हमको। ये फांसी कैसे क्यों लगा, ये थोड़ा वो जानकारी आपकी? कोई भी जानकारी नहीं सर मेरे को तो
पिछले 20 सालों से ना बाहर हूँ। आपने आकर देखा तब कैसा क्या माहौल था? पता नहीं, ये बहू नीचे लेटी हुई थी, ये फांसी के फंदे पे, बस इतना देखा, हमारे तो प्राण निकल गए सर। चलिए ठीक। एक युवक कुशमोदा पुलिस चौकी के पास द सारा होटल से छोटे भाई बड़े भाई की दवा लेने बाजार गया। वापस होटल आते समय सदानंद अरोड़ा चौथा पेट्रोल पंप के पास उसकी मोटरसाइकिल में एक अन्य व्यक्ति ने टक्कर मार दी। गंभीर घायल जिला अस्पताल में भर्ती। नवीन पुत्र गोविंद जाटा उम्र 18 साल निवासी ग्राम सालोटा तहसील राधोगढ़ हाल मुकाम द सारा होटल गुना में काम करता है। वहीं गुना शहर में अपने बड़े भाई को गले की दवा लेने गया था। आते समय एक बाइक सवार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। गंभीर घायल नवीन जाटव को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कैंट पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। क्या नाम इनका ये टक्कर हुई? नवीन। पिता का नाम? गोविंद जाटव। कहाँ रहते हैं? सारा होटल में। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? दवा लेने आ रहे थे मार्केट में, उधर से रिटर्न जा रहे थे। कहाँ ठोक दिया? बाइक वाले ने सामने। कहाँ पे? चौथे पेट्रोल। अच्छा, रिपोर्ट कर दी क्या? फिर ले गए हो ना, पुलिस चौकी वाले आए थे। छात्र छात्राओं ने पूर्व विधायक ममता मीना को सौंपा ज्ञापन और एमए के नवीन पाठ्यक्रम शुरू करने की रखी मांग। शासकीय महाविद्यालय चांचोड़ा वीनागंज के छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय में एमएससी और एमए के नवीन पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक ममता मीना से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया। पूर्व विधायक ममता मीना ने सहमति जताते हुए उच्च शिक्षा मंत्री से छात्र छात्राओं की मुलाकात कराने का आश्वासन दिया। माननीय मंत्री जी से मिलेंगे आप, उच्च शिक्षा मंत्री से, क्योंकि जो यूनियन का काम था वो भी ऊपर से होगा और उसमें आपको एक दो लोगों को मैं आपको भी साथ में लेकर चलेंगे। विधानसभा सत्र भी चल रहा है तो क्या है कि आप लोग उनको अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे। बाकी मैं आपने जो मुझे दिया इसके आधार पर मैं आपको पत्र भी बनाऊंगी आपके पक्ष में। विषय आपने रखा बहुत सही है, लेकिन हमें पता चला कि आप नहीं आने वाले हो, इसलिए हम यहाँ आने वाले हैं। आपको विषय का पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है, जिससे कि आगामी समय में आने वाले छात्र छात्राओं को पुनः आने जाने वाली समस्याओं का सामना न करना पड़े। अतः सरकार से निवेदन है कि हम विद्यार्थी की पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसके कारण भी हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हमें आपसे संबंधित विषयों में शासन द्वारा मिलने वाले सभी छात्रवृत्तियों का भी लाभ प्राप्त हो सके, सुगमतापूर्वक सभी छात्र छात्रा अपनी शिक्षा पूर्ण कर सके। समस्त छात्र एवं छात्राओं द्वारा आपसे ये निवेदन है। भाजपा ने पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। खुशी मनाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर आज जिला मुख्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार के नेतृत्व में त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनाव में जीत होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी चलाकर जमकर जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नगाड़े की धुन पर नृत्य करते हुए हनुमान चौराहा पर आतिशबाजी एवं मिठाई वितरण कर जश्न मनाया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गजेंद्र सिंह सिकरवार, युवा मोर्चा अध्यक्ष वीरेन सिंह धाकड़ सहित महिला मोर्चा की बहनें एवं युवा मोर्चा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जीत के जश्न में सम्मिलित रहे। जीत के जश्न पर भाजपा जिला अध्यक्ष सिकरवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में पूर्वोत्तर के राज्यों में हुए विकास एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुशल नेतृत्व क्षमता पर जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया और वोट किया है। ये जीत बताती है कि जनता का मोदी पर भरोसा हर रोज और मजबूत हो रहा है। जो ऐतिहासिक जीत की सरकार बनी है उसको लेकर आपने आज क्या कहा? आज का दिन बहुत ही ऐसा ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की जीत है, उनके कुशल संगठन की जीत है और मैं सभी मतदाताओं को वहाँ के बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इतनी प्रचंड जीत त्रिपुरा में और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इससे पूरा संदेश जा रहा है कि पूरे देश में
के भी विकास की जीत है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। उन्होंने जो विश्व में हमारी पहचान बनाई है, हर कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और मैं इसी के तहत आज यहाँ पर गुना जिले में फटाखे चलाए जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है और सभी कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। बहुत ही आज महत्वपूर्ण अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आज हमारे सबके लिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जीत के अवसर से विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार हम जो संगठन तथ्य की आपकी बात 200 बार, तो निश्चित ही हम सब लोग मिलकर 200 बार जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। प्राकृतिक कृषि एवं फसल विविधीकरण विषय पर परिचर्चा का आयोजन। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा अंतर्गत कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन विकासखंड कार्यालय गुना में किया गया। उपसंचालक अशोक कुमार उपाध्याय द्वारा प्राकृतिक कृषि जो कि देसी गाय आधारित शून्य बजट खेती के बारे में बताया गया। गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से अधिक जीवाणु होते हैं। गाय के गोबर एवं गोमूत्र से बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत बनाए जाते हैं, जिसके उपयोग से मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है। GS रघुवंशी उपसंचालक उद्यानिकी द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना के बारे में बताया गया। किस योजना अंतर्गत खाद प्रसंस्करण इकाइयां लगने पर 10 लाख रुपए तक अनुदान प्रदाय किया जाता है। कृषक फल उत्पाद यूनिट, सब्जी उत्पाद यूनिट, मसाला उत्पाद यूनिट, अनाज उत्पाद यूनिट जैसी इकाइयां लग सकते हैं, वहीं जिससे युवाओं को स्वरोजगार के काफी अवसर हैं। डॉक्टर BL प्रजापति द्वारा फसल विविधीकरण का महत्व बताया गया कि कृषकों को विभिन्न प्रकार की फसलों को लगाना चाहिए, जिससे कीट रोग नियंत्रण के साथ ही मौसम का जोखिम कम होता है। कृषकों को फसलों का चयन बाजार की मांग के आधार पर करना चाहिए। मिट्टी में जिंक, जिप्सम, बोरोन, मॉलिब्डेनम तत्वों का उपयोग करना आवश्यक हो गया है। गेहूं की फसल कटाई के बाद खेत में आग न लगाएं, स्ट्रॉ रीपर यंत्र से भूसा बनाने का कार्य कृषक भाई करें। वर्तमान में गेहूं की फसल में स्प्रिंकल के माध्यम से हल्की सिंचाई करें। डॉक्टर दुष्यंत सिंह प्रधान वैज्ञानिक केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों रीपर वाइंडर, कंबाइन हार्वेस्टर, एस्ट्रा रीपर, सोया प्रसंस्करण व सोया आधारित खाद पदार्थ उत्पादन प्रौद्योगिकी से सोया आटा, सोया दूध व पनीर की तकनीक बताई गई। पशु, मुर्गी एवं मछली आहार उत्पादन संयंत्र, संरक्षित खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। डॉक्टर BM नांदेड़, वरिष्ठ वैज्ञानिक भोपाल द्वारा कटाई, गहाई एवं खुदाई हेतु उन्नत कृषि यंत्र, निदाई गुड़ाई एवं खरपतवार उखाड़ने हेतु यंत्र, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु उन्नत उपकरणों की जानकारी दी गई। सब्जी की पौध रोपाई यंत्र के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में आत्मा अंतर्गत जिला विकासखंड स्तरीय कृषक एवं समूह को प्रमाण पत्र भी प्रदाय किए गए। राधोगढ़ थाना अंतर्गत जंगल में बकरियां चरा रहे दंपत्ति से बकरियां लूट कर ले जाने की वारदात का पर्दाफाश। लूट करने वाले सभी 5 आरोपी गिरफ्तार, 20 नग बकरा बकरी बरामद। गुना पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में गुना पुलिस द्वारा चोरी, लूट, डकैती आदि संपत्ति संबंधी मामलों के सक्रियता से खुलासे किए जा रहे हैं। इसी क्रम में SDOP राधोगढ़ GD शर्मा के मार्गदर्शन में राधोगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव एवं उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कड़ैया के जंगल में विगत दिनांक 14 दिसंबर 2022 को बकरी चरा रहे दंपत्ति के साथ मारपीट कर बकरा बकरी लूटने की घटना का पर्दाफाश कर घटना को अंजाम देने वाले सभी 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लूटे गए कुल 20 नग बकरा बकरी बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उल्लेखनीय है कि फरियादी सोमलाल पुत्र मूलचंद केवट उम्र 45 साल निवासी ग्राम कड़ैया थाना राधोगढ़ द्वारा दिनांक 14 दिसंबर 2022 को राधोगढ़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आज दिनांक 14 दिसंबर के दोपहर के समय वह तथा उसकी पत्नी ग्राम कड़ैया के जंगल में अपने बकरा बकरी चरा रहे थे। उसी समय 4-5 अज्ञात बदमाश वहां आए और उनके बकरा बकरियों को घेर कर ले जाने लगे। जब उसने उसकी पत्नी रामप्यारी बाई द्वारा उनसे बकरा बकरियों को घेर कर ले जाने से रोका तो बदमाशों द्वारा उसके और उसकी पत्नी के साथ लाठियों से मारपीट कर उनके छोटे बड़े कुल 35 नग बकरा बकरी कीमती करीबन 75,000 रुपये की लूट कर ले गए, जिसकी रिपोर्ट पर से थाना राधोगढ़ में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 561, 22 धाराओं 394 भादवी, इजाफा धारा 395 भादवी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गुना पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा उक्त घटना पर संज्ञान लेते हुए लूट डकैती की इस वारदात को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपियों की शीघ्र पतारसी कर उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत राधोगढ़ थाना पुलिस आरोपी की तलाश व पतारसी में सक्रियता में जुट गई और इसमें अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर पुलिस के तकनीकी संसाधनों के माध्यम से आरोपियों की तलाश में सघन दबिशें दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपियों की पहचान सर्विस पुत्र केवल सिंह गुज्जर,
कल्लू पुत्र केवल सिंह गुर्जर, ढालू पुत्र प्रेम नारायण गुर्जर, गोलू पुत्र गुलाब सिंह गुर्जर एवं पांच हीरा पुत्र बाबूलाल बंजारा निवासी गण ग्राम मलिया तोड़ी थाना राधुगढ़ के रूप में कर ली गई एवं उक्त आरोपी की तलाश के क्रम में गद्देवश मुखबिर से प्राप्त सूचना पर राधुगढ़ थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त घटना को अंजाम देने वाले सभी पांच आरोपियों सर्वेश पुत्र केवल सिंह गुर्जर उम्र 20 साल, कल्लू पुत्र केवल सिंह गुर्जर उम्र 23 साल निवासी गण ग्राम वीर थाना राधोगढ़, गोलू पुत्र गुलाब सिंह गुर्जर, हीरा पुत्र बाबूलाल बंजारा निवासी गण ग्राम मालिया थोड़ी थाना राधोगढ़ एवं डालू उम्र डालचंद पुत्र प्रेम नारायण गुर्जर उम्र 25 साल निवासी ग्राम खेरा थाना राधोगढ़ को गिरफ्तार कर जिनके कब्जे से लूटे गए कुल 20 नग बकरा बकरी कीमती करीबन 50,000 रुपये के बरामद कर लिए गए हैं एवं शेष 15 नग बकरा बकरी आरोपियों द्वारा पार्टी में काटकर खा लेना बताया गया। प्रकरण में गिरफ्तार शुदा सभी पांचों आरोपियों को गत दिवस माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। लूट डकैती की घटना का पर्दाफाश करने में राधोगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव, उप निरीक्षक जगदीश जाटव, सहूनी सुरेश शर्मा, सहूनी तोरण सिंह, आरक्षक देवेंद्र नरुका, आरक्षक वकील सिंह, आरक्षक विनय धाकर, आरक्षक विनय घई, आरक्षक कमलेश, आरक्षक कुलदीप सिंह, आरक्षक मनोज सिकरवार, आरक्षक लोकेंद्र सिकरवार एवं आरक्षक राजीव सेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मकसूदनगढ़ के जामनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचगोई गांव में रहने वाली महिला के साथ दो लोगों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। वहीं महिला के पति ने जानकारी देते हुए बताया कि रात के समय मेरी पत्नी के साथ दो लोगों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में मेरे द्वारा जामनेर पुलिस थाने में FIR दर्ज भी कराई गई है। उधर FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। साहब ये हुआ कि हमारे घर पे कोई रात के आया 8-9 बजे करीबन और मैं घर पे नहीं था। मैं राजस्थान गया था काम करने के लिए कोटा, तो मैं वहाँ काम करता था तो मेरे पास फ़ोन लगाया कि घर पे अपने ऐसे ऐसा हो गया, तो मैंने मुझे पैसे नहीं दिया किराया का, तो मैं फिलहाल में आ नहीं पाया। तो के अब मैं मुझे एक दूसरे से किराया लेके मैं ज़बरदस्ती 2 दिन बाद भाग के आया वहाँ से, तो मैंने घर पे आके नहीं और कचू मतलब मैं ये तो एक दो चार पंच मंच भी भेला करा तो उन्होंने उनसे ताबे नहीं आया फैसला ये। जब मैं आया रिपोर्ट करवा तो ये हुआ कि वो आया रात के 8 बजे तो उनने बोली कि हम तो रोटी बना रही थी कि हम तो रोटी यहीं खाएंगे और यहीं सोएंगे। मैं तो किसी को ना रोटी खान दूँ ना सोन दूँ, और क्योंकि हमारे घर पे मेरे घर पे कोई आदमी नहीं है, नहीं नहीं कि हम तो यहीं सोएंगे, तो वो ज़बरदस्ती कि हमको तो नशा आ जाए तो वो वहीं सो गया। सोने के बाद में जब ही वो तो ये अंदर घर में बरा के सो गई और भीतर से कच्चा मकान था तो उसमें दो लकड़ी लगा ली फाटक में, वैसे कुंवाड़ी थी उसमें दो लकड़ी लगा ली, और जिसके बाद में 12 बजे के समय हुई ये भीती और कूद के ऐसी बंडी भीती थी उसमें और कूद के घर में अंदर एक एक बाहर और एक भीतर, एक का तो कन्हैया लाल है अंदर गया जो और नीचे का वो अरे भारत सिंह भगवान भगवान सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार गुना नागरिक सहकारी बैंक वित्तीय एवं प्रबंधकीय की दृष्टि से एक सशक्त बैंकों की श्रेणी में वर्गीकृत हो गई है, जिसे कि राज्य सरकार द्वारा अच्छे प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 2022 में आ वर्ग प्रदान किया गया है। बैंक द्वारा अपने 3582 अंशधारियों को वर्तमान में 6% लाभांश वितरित किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 का ऑडिट संपन्न होते ही बैंक इस लाभांश को 6-7% लाभांश देने के लिए कृत संकल्पित है। यही नहीं, गुना नागरिक सहकारी बैंक आगामी 15 अप्रैल के पूर्व अपना स्वयं का ATM भी शहर में शुरू करेगा। उक्ताशय की जानकारी आज मीडिया से रूबरू होते हुए बैंक के अध्यक्ष अमित सोघानी ने दी। इस अवसर पर बैंक के मार्गदर्शक व बैंकिंग मामलों के वरिष्ठ जानकार LD पंडित के साथ ही डायरेक्टर मरुण सूद, शरद प्रेमी, अभिषेक पहाड़िया, जितेंद्र खुराना आदि भी मौजूद रहे। इस दौरान गुना नागरिक सहकारी बैंक की अभी तक की 25 साल की यात्रा का विवरण देते हुए अध्यक्ष अमित सोगानी ने बताया कि पिछले 25 वर्षों में बैंक का कुल व्यवसाय 27 करोड़ रुपए की ऊंचाई तक पहुंच गया है। बैंक के 3582 अंशधारियों, 6000 अमानतदारों व 500 ऋणी सदस्यों व आम ग्राहकों के सक्रिय व आत्मीय सहयोग से संचालक मंडल ने जनता की अपेक्षा अनुरूप शानदार प्रदर्शन किया है। पढ़ने लिखने में भी थोड़ी रुचि रही है तो मैं 4-5 बातें ऐसे आपको बताना चाहता हूं जो सीधे सीधे गुना बैंक से संबंधित। आज से 30 वर्ष पहले जो बहुत मजबूत इंस्टीट्यूशंस वर्क करते थे फाइनेंशियल सेक्टर में, लाइक वीडियोकॉन, किंग फिशर, सत्यम कंप्यूटर्स, उनका नाम आज कहीं नहीं, कहीं नाम उनका नहीं, नए प्लेयर्स आ गए। उसका कारण क्या? ये सत्यम कंप्यूटर्स जिसका व्यवसाय 36 देशों में था वो क्यों फेल हुआ?
उसके फेल होने के कुछ चार पांच महत्वपूर्ण कारण है। ऐसे ही किंगफिशर, ऐसे ही वीडियोकॉन, जहां ईमानदारी और नैतिकता पूर्ण प्रबंधन नहीं होगा उस संस्था को कोई नहीं बचा सकता। जिस संस्था के संचालक मंडल में और कर्मचारियों में व्यवसाय पोषण नहीं होगा, भले ईमानदारी हो, वो भी बच नहीं पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत स्टीफ कंपटीशन है बैंकिंग सेक्टर। इसमें एक छोटे इंस्टीट्यूशन का टिकना बड़ा कठिन हो जाता है। गुना बैंक टिक रही है तो मैं दो चार कार्य हम साथ ही साथ पिछले तीन वर्षों में सबसे पहले हमने 5% डिविडेंड बांटा था अपने शेयर होल्डर्स को, लास्ट ईयर 6% बांटा था मार्च 2022 में, और अब की बार शायद 7% की दर से हम लोग डिविडेंड बांटे। ये बात सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आप FD या किसी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको शायद 6-7% ही मिलता है, वो भी टैक्स कट के, लेकिन डिविडेंड टैक्स फ्री होता है। और वो नो डाउट कि आपको अगर सालाना इन्वेस्टमेंट का 7% रिटर्न मिल रहा है तो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। अभी जल्दी ही हमारी आगे की योजनाएं हैं जिसमें शीघ्र ही ATM कार्ड हम लोग बैंक में लॉन्च करने वाले हैं, और वो मुझे लगता है 15 अप्रैल के लगभग हम लोग मार्केट में ले आएंगे। इसके सिवा UPI, IMPS, फोन बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने RBI से करीब 2 या 4 ब्रांच के लिए मंजूरी मांगी है, वो अशोकनगर गुना 2 जिले के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हमारी बैलेंस शीट और हम लोग कार्य कर रहे हैं, RBI भी हमको बहुत सराहना दे चुकी है, तो ऐसा लगता है कि वो हमें मिलना चाहिए। आज की जो पत्रकार वार्ता में सबसे मसूर की अच्छी पैदावार होने से किसानों के चेहरे पर दिखी खुशी। चांचोड़ा क्षेत्र में इन दिनों रवि की फसल की कटाई का काम जोरों पर चल रहा है। शुरुआत में सरसों एवं मसूर की कटाई किसानों द्वारा की जा रही है। कृषि उपज मंडी में भी सरसों एवं मसूर की आवक शुरू हो गई है। ग्राम सागर के किसान जग सिंह राणा ने बताया कि 2 बीघा में मसूर की फसल बोई थी और लगभग 10 क्विंटल पैदावार निकलने की संभावना है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किसान थ्रेसर के माध्यम से अपनी फसल निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसान जग सिंह राणा ने खुशी जाहिर करते हुए अच्छी फसल पैदावार होने पर भगवान को धन्यवाद दिया। विष्णु साखेवार की रिपोर्ट। दादा क्या नाम है? जय सिंह राजपूत। अच्छा, कहाँ रहते हो? ग्राम सागर। अच्छा, आज ये क्या निकाल रहे हो तुम थ्रेसर से? मसूर। अच्छा, कितनी जमीन की है ये? 2 बीघा। कितनी निकलेगी? लगभग 10 क्विंटल। तो इस बार फसल कैसी हुई है? नंबर 1 की। अच्छा, तो ये फसल अच्छी क्यों हुई है? पानी या मौसम के हिसाब से अच्छी हुई है, ठंड में नहीं जली और क्या। अच्छा अच्छा, इस बार कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं है? नुकसान नहीं। गुना 2 मार्च 2022 राज्य शासन द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करते हेतु मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होंगी जो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हों, विवाहित हों, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, परंतु मान सेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगे, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत
प्रतिमाह राशि रुपए 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हैं, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड निगम मंडल उपक्रम का अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो। कलेक्टर फ्रैंक नोबेले द्वारा आज कुंभराज क्षेत्र का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान उन्होंने तहसील कार्यालय कुंभराज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान पटवारियों की सर्विस बुक अधिकन न रखी जाने के कारण हुकुम सिंह चंदेल निम्न श्रेणी लिपिक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। बटाकन के आदेश का नक्शे में ना अमल होने पर संबंधित पटवारियों को नोटिस जारी करने के लिए निर्देश दिए गए। ब्रजमोहन प्रजापति विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन के बंटवारे का अमल ना होने से संबंधित पटवारी का एक इंक्रीमेंट रोके जाने का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में अन्य प्रकरण के नक्शे में अमल ना होने से मृगवास के पटवारी द्वारा कबूल सिंह केबट विरुद्ध मध्य प्रदेश का ना अमल होने से नायब तहसीलदार रामाशंकर सिंह को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आदेशों का अमल नस्तियों में विधिवत संधारण न करने के कारण पटवारी अवधेश शर्मा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। फरवरी 2023 को गुना अशोक नगर टोल टैक्स पर आम जन द्वारा टोल प्रबंधक से टोल फ्री कराने को लेकर एकत्रित हुए थे। इसी मामले में कुछ लोगों के ऊपर प्रशासन द्वारा केंद्र थाने में FIR करा दी गई, जिसे हटवाने को लेकर आज गुना कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। गुना से लेकर ईसागढ़ तक जो रोड की हालत खस्ता हुई पड़ी हुई है, जिससे सभी आमजन परेशान हैं और उसकी टोल वसूली बकाया निरंतर चालू है, जिसके लिए हम लोगों ने 28 तारीख को वहाँ सुबह जाकर टोल प्रबंधक से टोल बंद करने का आग्रह किया। उनने कहा कि हाँ, हम टोल बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर टोल फिर से चालू करवा दिया। टोल प्रबंधक ने पहले बंद भी कर दिया था, 2 घंटे बंद रहा, प्रशासन ने जाके फिर से चालू करवा दिया और हमें आश्वासन दिया कि 2 दिन बाद टोल बंद कर दिया जाएगा। टोल बंद करने के बजाय 5 लोगों पर FIR करवा दी गई। ये इनकी तानाशाही चल रही है अभी, जिसका विरोध करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री CM साहब के लिए आवेदन देने के लिए अभी एकत्रित हुए। FIR क्यों हुई, क्या कारण रहा? कोई कारण नहीं रहा, ना हमने कोई दंगा किया, ना कोई दंगा किया, बिल्कुल झूठी FIR है। टोल प्रबंधक जी का वीडियो रिकॉर्ड है, जिनने कहा है कोई चक्का जाम नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी चक्का जाम का उसमें इल्जाम लगाकर इनने जो FIR हम पे की है उसके विरोध में। टोल बंद क्यों किया जाए, आपने विरोध किया था, क्या कारण है उसके? या 74 किलोमीटर का जो रोड है उसमें 5 किलोमीटर भी सही नहीं है, रोड पूरी इतनी खस्ता हालत है, जिसकी 25 साल की गारंटी ली गई थी, 10 साल से पहले ही वो रोड खत्म हो चुका है। तो FIR वापस नहीं होती है तो वहाँ क्या रहेगा आपको? आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आज ज्ञापन किसकी ओर सौंपा गया? आमजन, सभी आमजन, सब समाज। आपका नाम? दिनेश रघुवंशी, बेंटाघाट। कलेक्टर फ्रैंक नोबल के द्वारा आज कुंभराज क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने प्राथमिक विद्यालय भीलों का पूरा विद्यालय में एक शिक्षक रुक्मणी धाकड़ बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर उनके विरोध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। विद्यालय में श्री राम सब सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन का वितरण किया जाना पाया गया। इस दौरान अध्ययनरत बच्चों से सवाल जवाब कर शिक्षा के स्तर का परीक्षण किया गया। विद्यालय में पानी की व्यवस्था, साफ सफाई एवं शौचालय की जानकारी प्राप्त की गई। इसी क्रम में माध्यमिक विद्यालय कैंगडयाकलम का निरीक्षण किया गया, जिसमें 5 में से 4 शिक्षक उपस्थित पाए गए। अनुपस्थित श्री
निवासी बैजनाथ धाकड़ माध्यमिक शिक्षा बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर उनके विरोध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। विद्यालय में किशोरी स्व सहायता समूह एवं गोपाल स्व सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाना, उनके द्वारा मध्याह्न भोजन का सैंपल अन्य स्थान पर रखा होना बताया गया। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया गया कि सैंपल विद्यालय में रखा जाए। विद्यालय में पानी की व्यवस्था, साफ सफाई का अवलोकन किया गया। पानी की पाइपलाइन टूटी पाए जाने पर संबंधित विभाग को ठीक कराने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थी से चर्चा कर शिक्षा के स्तर को परखा गया। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी चांचोड़ा, विकास कुमार, आनंद सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के ग्राम झागर में ग्रामवासियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ होली महोत्सव मनाया गया। होली महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद के गुजरात अहमदाबाद से महाराज श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज शामिल हुए। ग्रामवासियों द्वारा ढोल नगाड़ा और डीजे की धुन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जमकर रंग गुलाल उड़ाया गया। शोभा यात्रा के बाद होली महोत्सव मनाया गया, जिसमें भाग के रसिया और लोकगीत गाए गए। होली महोत्सव में ठाकुर जी के साथ ग्रामवासियों द्वारा पूज्यपाद गोस्वामी जी, पुरुषोत्तम लाल जी महाराज जी श्री के साध्य में होली महोत्सव मनाया गया। होली महोत्सव के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। कलेक्टर फ्रैंक नोबेल एके निर्देशानुसार डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर अभिहिंत अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला गुना के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादनों की चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। अधिकारी रवि शिवहरे एवं लखन लाल कोरी द्वारा आज श्री श्याम डेरी सकतपुर रोड से मिश्रित दूध, गाय का दूध एवं दही के नमूने लिए गए। इसके पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित श्री राम इंडस्ट्रीज चिलिंग प्लांट से मिश्रित दूध के दो नमूने एवं पनीर का नमूना लिया गया। फर्म नीलकमल मिष्ठान भंडार नया बस स्टैंड आरोन से जलेबी एवं फर्म शर्मा रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड आरोन से मावा गुजिया के नमूने लिए गए। उक्त नमूनों को जाँच हेतु राज्य खाद परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। चलित खाद प्रयोगशाला के माध्यम से आरोन के हाट बाजार में जन सामान्य को खाद पदार्थों में की जाने वाली मिलावट एवं उसकी पहचान कैसे की जाए, इसकी जानकारी भी दी गई। कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद प्रतिष्ठानों की जांच कार्रवाई निरंतर सतत रूप से जारी है।